जब से मैं जापान आई हूँ तब से मेरा इतना मन है कि मैं किमोनो पहनूँ और उसमें फ़ोटो खिंचवाऊँ। और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे किमोनो रेंट पे मिल रहा है, तो आज मैं अपना शौक पूरा करूँगी। ये हमें पहली दुकान दिखी किमोनो की और हमने यहाँ पे रेंट पता किया, तो उन्होंने बोला कि तुमने पहले बुकिंग नहीं कराई तो तुम्हें 4,000 और 5,000 येन के बीच में पड़ेगा आफ्टर टैक्स। तो हमने अपना इंडियन दिमाग लगाया और इसी दुकान की दूसरी ब्रांच पे 15 मिनट पहले कॉल कर दिया और उन्हें बोला कि हमें किमोनो चाहिए, हम 15 मिनट बाद आ रहे हैं। तो उन्होंने बुकिंग कर भी दी और हमें 1,000 येन का फ़ायदा हो गया। और फिर भी महंगा ही है, 3,500 येन तक का पड़ेगा उन्होंने ऐसा बोला कॉल पे, वो होता है अराउंड 2,400 रुपये। तो अगर आपको भी अपना थोड़ा फ़ायदा करवाना है तो पहले बुकिंग करवा लीजिएगा। अच्छा खासा बिजनेस बना रखा है इन्होंने तो अपना, ऐसे 8,000-7,000 येन के भी किमोनो लगा रखे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन मैं तो स्टैंडर्ड वाला ही लूँगी। और ये लोग ना अच्छे से तैयार करके भेजते हैं, ऐसे हेयर स्टाइल भी बना के, सॉक्स, चप्पल, साथ में पर्स वर्स भी देते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो साथ में पहनते हैं, बेल्ट और बांधने के लिए चीज़ें हैं। मैंने पहले लोगों को किमोनो पहने हुए देखा था तो वो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलते थे, तो मुझे लगता था कि उनका चलने का ही स्टाइल वैसा है। लेकिन जब मैंने पहना किमोनो तो मुझे पता चला कि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वो उसका सर्कमफ्रेंस बहुत कम होता है तो छोटे ही स्टेप्स लिए जाते हैं। ये ओमिकुजी है, फॉर्च्यून स्लिप्स, मैंने इसके बारे में अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। Dad fortune.
ऐसा लग रहा है जैसे कोई कन्वीनियंस स्टोर में आया, वहाँ पे खाना रखा होता है ना, ऐसे ही बिल्कुल रियल लग रहा है। वाओ, दिस गाय इन द शॉप इज सो टैलेंटेड। वो हमारी ऐसे शक्ल का ऐसे कार्टून बना के दे देते हैं उसी टाइम। यहाँ पे ऐसे रिक्शा भी होते हैं, इसमें बैठ के पूरा घूम सकते हैं आसपास। देखो यहाँ पे लिखा है 3000 येन का है, एक बंदे के लिए 10 मिनट घुमाएंगे रिक्शा पे। पूरा आसाकुसा भी घुमा देते हैं। देखो ऐसे पूरा आसाकुसा घूमना है तो पैसे दे दो, 40,000 येन तक जाता है इसका रेट। यहाँ से क्रूज ले सकते हैं और आसपास की जगह घूम सकते हैं इसी क्रूज में।